हवाले से बड़ी खबर है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी जो मीटिंग है सोनिया गांधी के साथ वो होनी अभी बाकी है, वो होगी। लेकिन हम आपको बता दें, ये खबर अंदर की है, खबर अंदर से निकल कर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लगातार कयासों का जो दौर था वो जारी था और साथ ही ये कहा जा रहा था, क्योंकि डीके शिवकुमार आज दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तमाम लोग आज वहां पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब जो है, क्योंकि दो गुट की बात हम कल से ही कर रहे थे, जैसे प्रियंका गांधी साथ एक राहुल गांधी का गुट, दोनों तरफ के गुट हैं, जो एक गुट धनंजय, एक गुट जो है वो सिद्धारमैया को पसंद करता है, जो दूसरा गुट है वो डीके शिवकुमार को पसंद करता है। वैसे में जो अंदर की खबर है वो यही है कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं आसिफ इकबाल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार हम इस पर खबर भी दिखा रहे थे और हम बता भी रहे थे कि एक बड़ा चेहरा जो है वो सिद्धारमैया की तरफ, एक बड़ा गुट जो है सिद्धारमैया की तरफ रुख करता है और बताता है कि सिद्धारमैया चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए सबसे पहली बात कि इस पूरी खबर को न्यूज इंडिया ने बहुत प्रमुखता से दिखाया, समझाया, बताया और मैं आपको बता दूं कि अब तय हो चुका है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। और उसका एक जीता जागता सबूत है ये विकिपीडिया, जो उनका खुद का है और साफ तौर पे ये लिख रहा है कि भारतीय राजनेता हैं जो कि 2013 से 2018 तक और 2023 से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, खासतौर पर मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीर दिखाएं, विकिपीडिया पे साफ तौर पर अपडेट कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से उनकी मुलाकात वहां पे, जो एक 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 दिक्कत जो आ रही थी, जो बार बार खबरें भी हम दिखा रहे थे डीके शिवकुमार की, डीके शिवकुमार साफ तौर पे तैयार हो चुके हैं, डीके शिवकुमार मानने को ये तैयार हो गए कि सिद्धारमैया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और वही उनके अधीनस्थ ही तमाम चीजें की जाएंगी कर्नाटक की। और कर्नाटक में अब किसी तरह की कोई इब्बत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आधिकारिक घोषणा होने तक की थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने लगातार खबरें दिखाई, खबरों पर बने रहे और वो ग्राउंड जीरो पर भी तमाम रिपोर्टर्स हमारे मौजूद थे, हमने खबरें इकट्ठा की और अब आपको बता रहे कि हमारे पुख्ता सोर्सेस के हवाले से यह खबर है कि सिद्धारमैया ही एक बार फिर कर्नाटक की बागडोर संभालने वाले हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर। कल का एक बयान बता दूं आपको कि डीके शिवकुमार से एक निजी चैनल के संवाददाता ने जब यह पूछा कि आपके पास तो बहुमत है, आपने तमाम विधायकों को जिताया, क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत डांटते हुए डपटते हुए कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने जिताया है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की है और मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हो गया हूं कि मैं पार्टी को ब्लैकमेल करूं, तो साफ तौर पे जो पार्टी का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। आज नहीं जाने के पीछे तमाम वो जाएगी। बिल्कुल मां शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी हमारी मां है और पार्टी को जिस तरीके से सोनिया गांधी देखती है उसमें जो भी आलाकमान फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो हामी भरते हुए भी नजर आ रहे थे कि आलाकमान अगर सिद्धारमैया को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती तो भी उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं और देखिए खुद आप ग्राउंड पे रही हैं और तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स थे, एंकर थे, सभी लोग रहे और आपने भी खबरें इकट्ठा की। आपको खुद भी मालूम होगा जिस दिन आप लगातार रिजल्ट नतीजे आने के बाद आपने बॉडी लैंग्वेज का एग्जामिन किया था, उस समय साफ नजर आ रहा था कि क्यों सिद्धारमैया होंगे और क्यों डीके शिवकुमार नहीं हो पाएंगे, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे और कहीं ना कहीं उन तमाम रीजनों को उनके ऊपर हावी किया गया। डीके शिवकुमार जानते थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी में नहीं थे। हाँ, ये जरूर जानते थे कि अगर मुख्यमंत्री वो नहीं हो रहे हैं तो कम से कम उनकी तमाम बातें मानी जाए, उनका वो ओहदा बरकरार रहे, किंग मेकर की भूमिका, किंग न सही, किंग मेकर की भूमिका में उनको बना दिया जाए। तो लगभग तय हो चुका है, सारा ढांचा तैयार है, एक विधिवत तौर पे घोषणा होनी है। कर्नाटक बहुत सालों के बाद स्टेट जीते, आधिकारिक घोषणा बाकी है और साथ ही कर्नाटक की राजनीति में, क्योंकि दो तीन दिनों की अगर हम बात करें जब से रिजल्ट्स आउट हुए और उसके बाद फिर लगातार मीटिंग का दौर रहा, कल भी कहा गया कि डीके शिवकुमार मना कर रहे हैं, फिर अचानक से सुबह सुबह खबर आई कि डीके शिवकुमार पहुंच रहे हैं दिल्ली, तमाम बड़े नेता, उसके बाद फिर अभी सोनिया गांधी भी रास्ते में जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद शायद आधिकारिक जो डिक्लेरेशन है जिसका हमें इंतजार है वो सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद, क्योंकि तय तो कर लिया गया है, डिक्लेरेशन शायद सोनिया गांधी जैसे ही पहुंचे उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बिल्कुल आप एक बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि साफ तौर पर है कि लोग चाहते हैं, खास तौर पे कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के लीडरों से जो बात हो रही है वो चाहते हैं इसको बड़ा तरीके से दिखाना। आप ये देखिएगा कि अभी तक जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए, खास तौर पे मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल और तमाम जो हाल फिलहाल के स्टेट हैं उससे बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा, बहुत भव्यता से होगा, इसको बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा, क्योंकि 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। तीन बड़े स्टेट में चुनाव है जिसमें दो स्टेट में कांग्रेस की सरकार है प्रीति। हाँ बिल्कुल, और वैसे में कर्नाटक को अगर जोड़ लिया जाए तो चौथा राज्य हो ही जाता है और ऐसे में ये मोरल बूस्टअप के लिए
लिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कहीं ना कहीं ये मैसेज था, नेगेटिव मैसेज, कि हमारी पार्टी जो है उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही है। लेकिन अब इस जीत के बाद आप देखिए, लेकिन ऐसी